नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और बात करते हैं खबर की। एक बच्चे की दो माँ, पिता एक। जी हाँ, 15 साल से माँ बनने की तमाम कोशिशों में नाकाम रहने के बाद 34 वर्षीय एक महिला यूक्रेन के एक चिकित्सक की मदद से अभूतपूर्व लेकिन नैतिक आधार पर विवादित दो माँ एक पिता प्रक्रिया के जरिए अंततः माँ बनी। वो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक प्रक्रिया की मदद से कीव के एक निजी क्लिनिक में जनवरी में एक लड़के की माँ बनी। इस प्रक्रिया के तहत दंपति के जीन में डोनर का अंडाणु निषेचित किया जाता है। इससे पहले इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गंभीर अनुवांशिक बीमारियों का उपचार करने के लिए किया जा चुका है, लेकिन चिकित्सक वालेरी जुकिन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया से दो अलग अलग ऐसे दंपतियों को माँ पिता बनने में मदद की जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते थे। 60 वर्षीय जुकिन ने कहा कि हमारे पास ऐसे मरीज हैं जिनके इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किए बिना अपने अनुवांशिक बच्चे नहीं हो सके। जुकिन की इस प्रक्रिया में अंतर ये है कि महिला के अंडाणु को पहले उसके साथी के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, इसके बाद इस बीज को डोनर के अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है जो स्वयं गर्भधारण में सक्षम नहीं है। इस तरह अंडाणु लगभग पूरी तरह दंपति के जीन से बनता है। इसमें महिला डोनर के डीएनए का भी कुछ अंश होता है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर कुछ धर्म गुरुओं का तर्क है कि ये तकनीक नैतिक नियमों का उल्लंघन करती है। हालांकि सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत इस बारे में सामने आए।